खजनी पुलिस ने लूट में वांछित 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है, जिसके संबंध में एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने प्रेस वार्ता करते हुए बताया कि मुखबिर की सूचना पर 6 अभियुक्तों को जरलही पुल के पास से खजूरी कटचार मोड़ मार्ग से 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिसकी पहचान मोनू गुप्ता पुत्र राम वचन गुप्ता निवासी खुटभार थाना खजनी जनपद गोरखपुर, दूसरा सूरज शर्मा पुत्र संगम निवासी खुटभार थाना खजनी जनपद गोरखपुर, तीसरा गोलू गौड़ राजेश गौड़ निवासी खुटभार थाना खजनी गोरखपुर, चौथा पीयूष शर्मा पुत्र पशुपति शर्मा निवासी बासडीहा थाना खजनी जनपद गोरखपुर के रूप में हुई है। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 17 मई को अनवल चौराहे से आगे समया माता के स्थान पर 3 व्यक्तियों द्वारा व्यक्ति को धक्का देकर 6,000 रुपए, 2 एटीएम कार्ड, डीएल व सैमसंग मोबाइल छीन लिया गया था, जिनके पास से एक देसी तमंचा, एक जिंदा कारतूस, 3 मोबाइल, 1,500 रुपए नकद, 2 आधार कार्ड, 2 ड्राइविंग लाइसेंस, एटीएम पंजाब नेशनल बैंक, 1 कैंटीन स्मार्ट कार्ड बरामद किया गया। एसपी नॉर्थ ने बताया कि 4 अभियुक्तों के ऊपर मुकदमा पंजीकृत कर जेल भेज दिया गया है। गिरफ्तार वाले पुलिस टीम में खजनी थाना प्रभारी इकरार अहमद, उपनिरीक्षक बबलू कुमार, अरविंद कुमार राय यादव, कांस्टेबल इम्तियाज अहमद, रविंद्र वर्मा, सुनील यादव, हर्षवर्धन वर्मा शामिल हैं। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए एसपी नॉर्थ मनोज कुमार अवस्थी ने कहा, सबसे पहले एसटीएफ ने शुरू किया था विगत दिनों खजनी थाना क्षेत्र में 3 लूट की घटनाएं घटित हुई थी। उनमें क्षेत्राधिकारी और प्रभारी निरीक्षक के प्रयास से 4 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हुई है, जिनके पास से असलहा और धनराशि बरामद हुई है। ये 4 लुटेरे हैं। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्तों की भी गिरफ्तारी हुई है, उनके पास से तमंचा बरामद हुआ है। इन सभी अपराधियों का एक विभिन्न अपराधों में संलिप्तता पाई जा रही है, जिसकी तलाश की जा रही है, आपराधिक इतिहास की तलाश की जा रही है। और इनके नाम इस प्रकार हैं, अभियुक्त मोनू गुप्ता, सूरज शर्मा, गोलू गौड़, पीयूष शर्मा। इसके अतिरिक्त 2 अन्य अभियुक्त हैं, जिनका नाम विशाल यादव और राम गुप्ता है। इस प्रकार कुल 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार करने में खजनी पुलिस ने सफलता प्राप्त की है। ये मुख्यतः लुटेरे हैं और इनका आसपास का जो आपराधिक इतिहास है वो जिले से मंगवाया जा रहा है और उसकी तलाश की जा रही है। 3 घटनाओं के बारे में इन्होंने स्वीकार किया है, अब वो तीनों घटनाओं के बारे में इनका रिमांड बनवाया जाए। इनके पास लूट का माल बरामद होने के साथ साथ अवैध असलहे और मोबाइल और डीएल छीना गया, ये सब बरामद हुआ।